का यहाँ पे जो नज़ारा है वो देखिए कितना शानदार है। वाह, एक दो तीन चार, चारों पीक्स पे देखो फुल आइस है वहाँ पे, बहुत ही शानदार नज़ारा है। से ये नदी चल रही है और हम लोगों ने सुबह से 24 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और चारों तरफ पहाड़ बादल, अल्टीमेट नज़ारा है यार। यहाँ पे भाई साहब बाइक चलाना भी एक टेक्निक है, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं आती थी लेकिन जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मैं सीखता जा रहा हूँ। मैं पहले बहुत स्लो चलाया करता था यहाँ पे और अभी भी स्लो चलाता हूँ, लिमिट में चलाता हूँ, लेकिन वाह यार देखो ऐसा लग रहा बस पहाड़ घूम रहे हैं, सामने का पहाड़ इधर से उधर आया जा रहा है बस। वाह यार क्या मस्त लग रहा है यहाँ से भी नज़ारा। अब यहाँ पे जो जय और शुभम है दोनों काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस राइडर हैं, मैं इन लोगों में सबसे कम एक्सपीरियंस राइडर हूँ। यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह से पत्थर गिरते रहते हैं तो थोड़ा सावधान होकर चलाना पड़ता है, जहाँ ज़्यादा ऐसा एरिया होता है वहाँ पे दूर तक देखना पड़ता है। और वाह मुश्किल हालात सीमा संगठन देश के साथ, तो BRO की तो यार एक बात है दाद देनी पड़ेगी, रोड को काफ़ी शानदार मेंटेन किया हुआ है अभी तक, जहाँ तक रोड आ रही है इतनी अच्छी रोड है कि आप थोड़ा बहुत रोड के साथ नज़ारे इंजॉय कर सकते हो। वी आर ऑन ड्यूटी सो देट यू कैन इंजॉय द ब्यूटी, यस BRO थैंक्स, हम लोग ब्यूटी को इंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब क्या व्यू आया है यार। ओके तो यहाँ पे अभी ये ब्रिज आया है, इस ब्रिज को अभी हम क्रॉस करके आगे जाएंगे और अब हम लोग क्रॉस करेंगे ये वाला ब्रिज, पहले इधर से जाएंगे वहाँ से जाके फिर यू टर्न लेके नीचे आएंगे और नीचे आके क्रॉस करेंगे ये ब्रिज। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार ब्रिज, वाह। तो ये है वो ब्रिज, यहाँ से भी इसकी एक फ़ोटो तो बनती है मेरे भाई, यहाँ से भी फ़ोटो बनती है। सबसे पहले मैं इस ब्रिज का बता दूँ तो ये ब्रिज देखो यहाँ पे वेलकम टू दारछा ब्रिज, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ लाहौल एंड स्पीति वैली। तो लाहौल स्पीति वैली का ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है दारछा ब्रिज और काफ़ी प्यारा भी है। तो यहाँ से ये देखो व्यू काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी शानदार चीज़ है यार। ये दारछा पुलिस असिस्टेंस रूम है जहाँ पर रोका गया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं और कुछ नाश्ता पानी करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। हम लोग यहाँ पे ये चेरिंग ढाबा है यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, क्या पराठे वगैरह खाए हैं, चाय पी है और इलेक्ट्रोल पाउडर लिया है। बाकी यहाँ पे अभी शायद जय भाई है डायमोक्स ले रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम फील हो रही है। बाकी हम लोग देखते हैं, हमारे तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा भाई एक्शन कैम अब काम करने लग गया, सुबह इसने बहुत परेशान किया, पता नहीं क्या पानी था क्या था जिसके कारण इसने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। अभी एल्टीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे 3241 जो है उस एल्टीट्यूड पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक भाई है जो कि स्प्लेंडर पे आए हुए हैं। देखो लद्दाख ये ऐसी चीज़ है जब आपका संयोग होता है, जब आपके संयोग में लिखी होती है तभी ये होती है। भाई साहब लेफ्ट में देखना भी मत, आँखें बंद करके चलाना, लेफ्ट में नहीं देखने का
ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। चढ़ान है, मतलब ये आपको शायद एक्शन कैम में दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये अच्छी खासी चढ़ान है, चढ़ाई है, स्ट्रेट एकदम। और लेकिन यार हिमालयन का चढ़ाई हो या नीचे उतरने की बात हो, हिमालयन का कोई जवाब नहीं है यार वास्तव में। क्या बाइक है यार। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है यार मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसे बाइकर्स मिलते हैं और वो एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते हैं। वाव, ओ भाई साहब, खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। रोक क्यों रहा है? तो भाई ये देखो पूरा नदी का बहाव देखो, कितना खतरनाक वहाँ तक जा रही है पूरी। और यहाँ पे काम चल रहा है, काम और नदी का बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भागने को भाग गए, भागना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रही है। ऑल सेट, चले। ओके, कौन नाल आ गया। तो दिस इज लद्दाख भाई, यहाँ पे आपको रोड भी मिलेगी और ख़राब रोड भी मिलेगी, खाई भी मिलेगी, नदी झरने भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। लद्दाख इजी नहीं है, आओ तो प्रिपरेशन करके आना। तो यहाँ रास्ते के अंदर ये काफ़ी अच्छी बढ़िया झील आई है, मैं तो कहता हूँ यही छोटी पेंगोंग लेक लग रही है मुझे। इसका जो पानी है काफ़ी हरा हरा सा है और कितना शानदार लग रहा है ये पानी। अभी बाइक्स को वहाँ पे लगा दिया है और मेरी बाइक वहाँ थोड़ी आगे पार्क है। से व्यू आपने काफ़ी शानदार देखा होगा। तो अभी हाल फिलहाल तो टाइम की बात करें तो यहाँ टाइम हो चुका है 11:10 और एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 3600 मीटर की हाइट पे हम लोग हैं। थोड़ी सी बोलने पे हमारी सांस फूल रही है, इसलिए हम निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे आगे। क्या एक बार में एक ही व्हीकल जा रहा है और यहाँ जगह भी थोड़ी सी कम है, तो देखते हैं ये एक बार निकल जाए सारे, फिर उसके बाद चलते हैं आखिर उधर क्या सीनेरियो चल रहा है। आगे जो है वो वाटर क्रॉसिंग है, इसलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है, तो एक बार ये आर्मी के सारे ट्रक्स वगैरह निकल जाएँ, फिर उसके बाद अपन लोग निकलते हैं और देखते हैं वाटर क्रॉसिंग के मजे। यार गाड़ियाँ आए जा रही है, हमें भी तो जाने दो। ओके, यहाँ पे है थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग। रुकना रुकना रुकना। ओके,
काफ़ी डिफिकल्ट। ओ भाई साहब, मुँह में पूरा धुआं भर दिया इसने।